दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था में कोरोना वायरस वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के लिए बड़ी संख्या में वॉलंटियर्स तैयार हैं। ट्रायल देने के लिए उत्साहित वॉलंटियर्स ने एम्स में फोन, ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए संपर्क किया। लोगों का उत्साह जानकर एम्स के डॉक्टर काफी खुश हैं। मिली जानकारी के मुताबिक ह्यूमन ट्रायल के लिए एम्स को सिर्फ 100 लोग चाहिए थे, लेकिन यहां पर तकरीबन 1800 लोगों ने संस्थान से संपर्क किया है। माना जा रहा है कि जल्द ही एम्स वॉलंटियर्स की लिस्ट तैयार करेगा और उसके बाद सहूलियत और जरूरत के हिसाब से एक एक करके सभी इच्छुक वॉलंटियर्स को सैंपल देने के लिए बुलाया जाएगा। सब कुछ ठीक रहा तो अगले 2 से 3 दिन में इस ट्रायल को शुरू कर दिया जाएगा। 20 को इसकी स्क्रीनिंग की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। जो इंक्लूजन क्राइटेरिया में रखे गए हैं वो 18 साल से ऊपर और 55 साल से नीचे और उनको कोविड ना हुआ हो, तो इन तीनों इंक्लूजन क्राइटेरिया के माध्यम से एक रेंडमाइज डबल ब्लाइंड प्लेसिबो कंट्रोल ट्रायल स्टार्ट होने जा रहा है। हम शुभकामनाएं करते हैं कि जल्दी से जल्दी कोवैक्सीन प्रोड्यूस की जाए। वैसे तो बोला गया था कि 15 अगस्त तक हो जाएगी, पर अगर 15 अगस्त तक ना भी हुई, थोड़ा सा डिले भी हो जाता है, पर जल्दी से जल्दी वैक्सीन तैयार की जाए। एम्स प्रशासन के मुताबिक कोरोना वायरस के लिए तैयार वैक्सीन के लिए सिर्फ 100 वॉलंटियर्स की दरकार है। ऐसे में सिर्फ 100 लोगों का ही चयन किया जाएगा। बताया जा रहा है कि ट्रायल का परिणाम आने में समय लगेगा। इसके पीछे वजह यह है कि ICMR और बायोटेक कंपनी द्वारा तैयार की गई COVID-19 की ये वैक्सीन 2 डोज शेड्यूल है। कोरोना वैक्सीन ट्रायल को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एम्स के डॉक्टर्स को बधाई दी और कहा कि कोरोना से लड़ने में भारत किसी से पीछे नहीं है। देश में वैक्सीन के बारे में 2 वैक्सीन कैंडिडेट्स के द्वारा ह्यूमन ट्रायल्स की प्रक्रिया शुरू हो गई है। समय के बारे में कोई भी साइंटिफिक जो गतिविधियां होती हैं इसमें कोई पहले से प्रिडिक्शन नहीं कर सकता, लेकिन भारत दुनिया के किसी भी देश से पीछे नहीं है। हमारे यहाँ भी पूरी ईमानदारी, पूरी गंभीरता से और पूरे कमिटमेंट के साथ प्रयास जारी है।